अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासर रफ़ीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि नाज़रीन, आज जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 500 साल कदीमी कब्रिस्तान है। बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। इसकी कब्रें अगर आप देखें तो ज़मीन के बराबर हैं और इनके जो कतबे बने हुए हैं वो भी आज के दौर के नहीं हैं, बल्कि बहुत ही पुराने कतबे बने हुए हैं। आगे जाके हम आपको दिखाते हैं इनके कतबों पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि सुनने में ये आया है कि यहाँ पे एक सैलाब आया था, जिसकी वजह से ये पूरी आबादी जो है ये सैलाब में बह गई थी और उनकी कब्रें यहाँ पे, ये पूरा कब्रिस्तान है, ये जो जितना भी एरिया है ये कब्रिस्तान की शक्ल में है। और इससे आगे भी थोड़ा सा तकरीबन कुछ फरलोंग आगे जाएँ तो वहाँ पर भी यही सेम कब्रें और इसी तरीके से हैं। आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताऊँ तो अगर आप चकवाल वाली साइड से खुशाब वाली साइड पे जाएं जीटी रोड पे, तो ये द्रुकना के करीब जो है ये कब्रिस्तान है। और इसके साथ ही छोटा सा गांव है तकरीबन, उसमें तकरीबन अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि आज से चंद साल पहले कोई चंद घर होते थे। ये वही गांव है, इस गांव का नाम है दहियाँ। तो आए हम आपको ज़रा कब्रों पर जो कतबे बने हुए हैं उनके ऊपर, अगर किसी का उस टाइम की कतबों पे जैसे कि आज के दौर में नाम लिखे होते हैं तो उस दौर में किस तरह के कतबे बनाए जाते थे, ये देखें कितने बड़े कतबे हैं। और ये देखें पत्थर की किस तरह कटाई हुई, एक ये चीज़ है। और इससे आगे अब तो ज़मीन और कब्रों का लेवल हो चुका है और ये पूरा जो है कब्रिस्तान है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ये कतबा बना हुआ है, ये कब्र मुबारक है। और यहाँ पे अगर दिखाएं तो इस पे ये जो डिजाइनिंग है ये आप देखें इसी तरह के, आगे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आप यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह की कब्र आपको दिखाते हैं। और ये कतबा बना हुआ है, थोड़ा सा आगे आए सेम आपको कतबा ये यहाँ पे भी मिलेगा। जितने भी लोग थे वो बह गए थे और उनकी कब्रें जो हैं सामान के साथ ही यहाँ पे उनको दफन कर दिया गया था। नाज़रीन, अभी ये कतबा रह गया है और आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन का लेवल बिल्कुल बराबर है। और ये कतबा इसकी कब्र की निशानी है कि यहाँ पे, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे कब्र मुबारक है। तो जी, ये अल्लाह ताला के प्यारे बंदे यहाँ पे दफन है, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए, हमारी यही दुआ है। और आगे हम थोड़े से विज़िट करते हैं, वहाँ पे इस दौर का कतबा भी मुझे नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, आपको ये कतबा आप देखें, नक्श निगारी जो है ये आप देखें इस कतबे पे किस तरह बनी हुई है। और ये बहुत ही पुरानी, कोई तकरीबन 500 साल पुरानी कब्र है। जैसा कि आज के दौर की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा आगे जो एक और कब्रिस्तान है, सेम यही चीज़ हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको बताया कि एक वहाँ पे कब्रिस्तान है और एक यहाँ पे है।
जैसा कि नाज़रीन हमने आपको पहले कब्रिस्तान दिखाया और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये उसकी थोड़ी सी चंद फरलोंग पे आएँ तो ये दूसरा कब्रिस्तान है, सेम वही जगह है और यहाँ पे तकरीबन लगभग 500 से ज़ायद कब्रें होंगी और हर कब्र एक अपने एक मुनफरिद अपनी एक पहचान बताती है। तो हम आपको आगे चल के थोड़ी सी कब्रें दिखाते हैं और उनके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कतबे बने हुए हैं उनकी नक्श निगारी जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उस दौर में किस तरह की कब्रें तैयार की जाती थी। ये देखिए जी, बहुत पुरानी कब्र है और ये इसकी अगर आप साइज़ की बात करें तो ये मेरे ख़्याल में 10 फीट कब्र है। जैसा कि नाज़रीन हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो कतबा बना हुआ है यहाँ पे बच्चों की भी कब्रें आपको दिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चों की कब्रें हैं। आगे हम आपको थोड़ी सी और कब्रें दिखाते हैं, यहाँ पे चंद नए दौर की भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे कीकर जो हैं लगे हुए हैं इनके अंदर भी कब्रें हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते कि क्योंकि यहाँ पे हमें ख़तरा है, यहाँ पे सांप या इस तरह के कोई बिच्छू वगैरह हमें डस सकते हैं, तो इसलिए हमें अपनी भी एहतियात करनी है। तो यहाँ पर जी एक और नक्श नुमा कब्र आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर ये मखसूस किस्म की नक्श निगारी जो है ये कोई पहचान बताती है कि ये फलां बंदे की कब्र है। इसके बारे में हमें यहाँ पे जो मकामी हजरात लोग हैं उनसे हम अगर इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो उनको इस बारे में नहीं मालूम, क्योंकि ये बहुत पुराने कब्रें हैं और पुराना कब्रिस्तान है, आज से तकरीबन 500 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन के लेवल और इनकी कोई इतनी ऊंचाई नहीं है और पत्थर हमें नज़र आ रहे हैं कि ये कब्रें हैं। यहाँ पे हमें पांव रखते हुए भी हमें डर लग रहा है कि कब्र की बेहुर्मती ना हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम कोई हमें रास्ता मिल जाए यहाँ से, हम वहाँ से देखते हैं थोड़ा सा चलते आगे चलते हैं। ये यहाँ पर एक और हमें कब्र नज़र आई है और सेम वही नक्श निगारी जो है आपको दिखा सकते हैं, ये जो निशान है ये कोई मखसूस एक अलामत है, इसकी पहचान जो है ये बताई जाती है कि ये फलां घराने से तल्लक रखता है। जैसे कि कुछ कब्रों पे मैंने देखे हैं कि ये जैसे चार खाने बने हुए हैं, जैसे कि कुछ कब्रों पे ये बने हुए हैं चार खाने हैं, तीन खाने हैं या इस तरह के, ये जो है ये घराने का तल्लक बताता है कि ये फलां घराने से तल्लक रखता है, क्योंकि उस टाइम में कोई उर्दू या इंग्लिश ज़ुबान की ये इस तरह की कोई नहीं होती थी उस तरह। आपको पता है कि इस तरह के ज़माना जाहिलियत भी बहुत सारे दौर गुजरे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि एक मखसूस किस्म की नक्श निगारी बना के एक पहचान बनाते थे कि ये फलां शख्स की कब्र है, फलां घराने से तल्लक रखता है। तो इसलिए ये जो है ये कब्र इस कतबे पर ये जो नक्श निगारी बनाई जाती है ये इसका मकसद यही है कि ये फलां घराने से ये बंदा तल्लक रखता है। तो अभी हम इनको पहचान नहीं कर सकते कि क्योंकि पुराने वक्तों की बात है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है नए दौर में कतबे किस तरह बनाए जाते हैं, ये कतबे पुराने दौर के हैं, इसलिए हम एक एग्जैक्ट एक पहचान नहीं कर सकते कि ये फलां बंदे की है, फलां शख्स की है, क्योंकि आज के दौर के जो लोग हैं उनको भी ये नहीं पता, क्योंकि आजकल जो लोगों की उम्रें हैं आपको पता है 50-60 से ज़ायद नहीं है, तो जिनकी 100 से ज़ायद उम्रें थीं वो तो जहां फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी आपसे यही हर टाइम रिक्वेस्ट होती है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसी के साथ आज इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।